नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का रहा दबदबा। चार राज्यों में बीजेपी ने की जीत हासिल। पंजाब में बाजी मारी आम आदमी पार्टी ने। जम्मू में कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न। उधमपुर ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। इकट्ठे किए जरूरी सबूत। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा सरकार करे डेली वेजेस कर्मचारियों को पक्का। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने टाउन हॉल में किया विकास के काम का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही भारी कामयाबी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर अपनी मोहर लगा दी है। हमारे देश की मातृशक्ति ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान किया है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या मणिपुर हो, यहाँ तक पंजाब में भी हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। मोदी सरकार की जो योजनाओं का सीधा लाभ परिवारों को मिलता है, तो परिवार को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका मातृशक्ति हमारी माताओं और बहनों की होती है। इसलिए बड़े पैमाने पर इन चुनावों में हमारी मातृशक्ति ने और युवाओं ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, वो जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि मोदी साहब की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के प्रत्येक परिवार को है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तीन अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही कामयाबी का जश्न आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने छन्नी हिम्मत में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मनाया और खुशी का इजहार किया। चंद्र मोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली भारी सफलता का जश्न आज पार्टी के गांधीनगर कार्यालय में जमकर मनाया गया। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के लोगों ने ढोल नगाड़ों के बीच मिठाइयां बांटी और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि ये लोगों की जीत है और लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर अपनी मोहर लगा दी है। जश्न है पंजाब के अंदर बदलाव का। पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। यह संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि पंजाब ने बदलाव की राजनीति को चुना है। पूरा हिंदुस्तान इससे प्रभावित होगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है जो आम आदमी पार्टी का,
वो है शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क। इन नीतियों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर हमने दिल्ली के अंदर चुनाव जीते दो बार और पंजाब के अंदर चुनाव जीते। आम आदमी पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी जो लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर, जो है इश्यूज है उनके ऊपर राजनीति करती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुई जोरदार जीत का जश्न बड़ी ब्राह्मणा में भी मनाया गया। बड़ी ब्राह्मणा के सिडकोट चौक में जमकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जम्मू पुंछ के संगठन मंत्री राज मोहम्मद सलारिया विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की जीत को आम आदमी की विजय बताया। पहले पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पंजाबियों की बहुत बड़ी जीत है। जम्मू जैसे दिल्ली में हमने चेंज करके लोगों से काम करके दिखाए, वही डेवलपमेंट पर बात की गई, सिलेक्शन के जो मुद्दे थे वो दिल्ली के रोल मॉडल को लोगों को बताया गया कि अगर हम दिल्ली में कर सकते हैं तो हम ये चीज़ें पंजाब में भी कर सकते हैं। पंजाब के लोग दुखी थे, आहत थे, वो नशे से मुक्ति चाहते थे सबसे बड़ी बात, तो लोगों ने चेंज चाहा है। और मैं उन तमाम पंजाबियों का आम आदमी पार्टी की तरफ से तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और तमाम आदमी आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर थे, जो पर्दे के पीछे थे, मैं ये सब, ये बड़ी जीत है, ये कहीं ना कहीं उनकी भी जीत है, उन्हें मायने रखती है उनकी, उनके लिए भी। और ये दिल्ली से स्टार्ट होने के बाद हमने पंजाब में भी अच्छी जीत हासिल की है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी इसके जो राजनीतिकरण, जो तिलक होगा, वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। आप उधमपुर के सलाथिया चौक में गत दिवस हुए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जबकि 14 लोग घायल हो गए थे। आज NIA की टीम ब्लास्ट की जगह पर पहुंची, जहां पर उन्होंने विस्फोट में हुए धमाके के बाद ये जानने की कोशिश की कि विस्फोट किस प्रकार किया गया था। उन्होंने घटनास्थल का पूरी तरह से निरीक्षण किया और जरूरी सबूत एकत्रित किए। कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और गवर्नर हाउस की ओर एक रैली की शक्ल में कूच किया। प्रदर्शन कर रहे फ्रंट के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि डेली वेजेस कर्मचारियों के हाथ में एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में काम करने वाले डेली वेजेस कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। अगर सरकार की तरफ से विद इन डेज में कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो थोड़े ही समय बाद जो मीटिंग में डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति होगी, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक होती है या फिर गवर्नर हाउस की तरफ, जो पूरा गवर्नर हाउस के बाहर ही जो है अनशन पे बैठने की बात होती है या दिल्ली का रुख करने की बात होती है, जो भी डिस्कशन निकल के आता है वो विद इन टाइम में ही आपके बीच में रख दिया जाएगा। फिलहाल अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द 94 के बाद जितने किस्म के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी, 94 के बाद जितने वर्कर्स हैं उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, और जो UT का रेट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, वो फौरी तौर पर लागू किया जाए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने टाउन हॉल में टाइल्स लगवाने और प्रेबिक सेट बिठाने के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और पार्षद ऋतु चौधरी भी विशेष तौर पर मौजूद थी। चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर विकास के इस काम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। तो हम लोगों ने एक मिलकर प्रयास किया कि पूरा शहर हम स्मार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा जो अपना घर है, अपना ऑफिस है, उसको भी हम स्मार्ट करें। उसका आज लगभग 63 लायक्स के साथ इसका जो ये ग्राउंड है, यहाँ सब लोग आते हैं, एंट्री है, इसको टाइलिंग का काम, यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम, यहाँ पर और भी जो फाउंटेन लगा रहे हैं हम इसी अपने लॉन के अंदर, और ड्रेन ड्रोन जो भी रिपेयर का काम है, सारा बाहर का काम सारा हम इसको खूबसूरत कर रहे हैं। सबसे पहले कोई अगर आपके घर में आए या कहीं आए, पहले गेट पर खड़ा होता है, गेट पर देखता है इस घर का आगे का अंदर का सिस्टम क्या होगा। तो हम लोगों ने मिलकर सबका, ये 75 कारपेटरों का ये आवाज़ थी कि एक हमारा घर भी साफ़ सुथरा, बढ़िया, स्वच्छ होना चाहिए, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर एक कंटीन का भी निर्माण किया गया, वो भी बहुत जल्द कंटीन शुरू होने वाली है।
एक यहाँ चौकीदार रूम जो बहुत पीछे था उसको भी फ्रंट में हमने बनाया है। नीचे जो एंट्री गेट है उसके लिए उसका काम भी शुरू किया, कंप्लीट है वो भी ये बनाया। उसका पीछे पार्किंग का काम अपने टाउन हॉल के पीछे 50 गाड़ियों की पार्किंग, 50 स्कूटर्स की, उसका काम भी बड़ी तेजी के साथ चला हुआ हम लोगों ने लगाया हुआ है। गंग्याल इलाके में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 3 पुलिस कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। जब से पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड जीप के साथ साथ कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार वाहन ने सभी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी, जिस कारण ये हादसा हुआ। बनिहाल और रामबन के दरमियान आज एक बार फिर भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। राजमार्ग के नचियाना क्षेत्र में पहाड़ से बड़े पत्थर गिरे हैं, जिसके चलते रायबाग बंद हो गया। वहीं ट्रैफिक विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू नहीं बनाया जाता, तब तक राजमार्ग पर यात्रा ना करें। कश्मीर के पुलवामा जिले में जारी सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट्स को मार गिराया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पुलवामा के नैना बाटापोरा क्षेत्र में आतंकी छुपे हुए थे, जिस पर सुरक्षा बलों ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर कई टाइम से देखा, उसके बाद दूसरा जो अभी हुआ है तो इस जो टीम को हम लोग, हमारी पुलिस पार्टी इसको जो ट्रैक कर रही थी और ये इसका मकसद था जो श्राइन बोर्ड के गार्ड पर अटैक करके उसका रिप्रेसमेंट करने। फिर पुलिस पार्टी पर देखते ही उसने फायर किया। पुलिस पार्टी जैसा आप लोग देखेंगे ब्लड के स्टैंड है पुलिस हमारे पोस्ट बगल में, पुलिस ने रिटेलिएट किया जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। यह पिछले 6 महीना से श्रीनगर में एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कुछ आप लोग देखे होंगे कुछ सीनियर ऑफिसर अटैक करने की बात कहा था। ये पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, 2 भागने में भाग गया ऑटो में बैठ के, सीसीटीवी कैमरा हम दिख रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी। विजय जी, हजरतबल एक रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है हजरतबल, फॉरेन टेररिस्ट का नंबर न्यूट्रलाइज हो रहा है, डू वी हैव मोर नंबर ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इन श्रीनगर? बिल्कुल, जैसा मैं बार-बार कहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का, साथ में श्रीनगर पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ये लोग सिविलियन पे अटैक करते हैं, पुलिस पे अटैक करते हैं और किस जो आम आदमी को इनोसेंट पर अटैक करते हैं और बोलते हैं ये मुखबिर है, जो सरासर गलती है। आप लोग हरदम पैसेंज देते हैं, हम लोग कोई भी रिलीज प्लेस हो जैसे आज वहाँ का मजबूत बात हुआ, फ्रेंड बोर्ड का कुछ डैमेज नहीं हुए, ना कुछ दिन कोई डैमेज हुआ, ना कोई इंजर्ड हुआ, बहुत कोलेटरल डैमेज को मेंटेन करते हुए हम लोग पाकिस्तानी मिलिटेंट हो या लोकल मिलिटेंट्स को उसको हम लोग। विजय जी, रिलीजियस प्लेस है हजरतबल, मानी जाती है, अलग ही श्रद्धा है हर तबके के लोगों के लिए, कोई खास प्लान एक्सपेक्ट करते हैं जो ये जानबूझ कर यहाँ किया? इसका मकसद था ये, चाहे जो पुलवामा में मस्जिद की बात हो या श्राइन का है, इसमें घुस जाए, सिक्योरिटी फोर्स के साथ एंगेजमेंट करे, न्यूज फैलाए और लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काए, लॉ ऑर्डर क्रिएट करे। श्रीनगर के खौरमू इलाके में अज्ञात बंदूकधारी ने इलाके के सरपंच समीर अहमद भट्ट को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगते ही सरपंच की मौके पर मौत हो गई। गोली लगने से हुई सरपंच की मौत के चलते क्षेत्र में मातम का माहौल पैदा हो गया और लोग सरपंच समीर अहमद भट्ट के निवास पर शोक के लिए एकत्रित हो गए। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावर की तलाश जारी कर दी है।
नेहरू युवा केंद्र राजौरी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार राजौरी में जिला स्तरीय यूथ कनेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कला संस्कृति को बढ़ाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। टैलेंट नीड्स अपॉर्चुनिटी, विदाउट अपॉर्चुनिटी टैलेंट इज नथिंग। तो उसी अपॉर्चुनिटी को प्लान किया हमने, डिस्ट्रिक्ट यूथ कन्वेंशन और कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे करवाने का किया, और 19 ब्लॉकों के जितने 3 युवाओं की जिनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, इसमें डिफरेंट कल्चर्स की जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने यहाँ पे आइटम्स पेश किए हैं। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे बच्चे और उनके पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और बड़ा देखने को अच्छा लगा है कि हमारे यहाँ का जो राजौरी का और इस खिता का जो कल्चर है उसके हिसाब से ये स्टेज जो है सजाया गया है। यकीनन हमारे लोगों को इसका बहुत फायदा पहुंचेगा। यूथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खोड़ में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के युवा अन्य पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पार्टी नेता सरदार खुशवंत सिंह ने कांग्रेस में शामिल हुए युवाओं का हार पहनाकर स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश और जम्मू कश्मीर में स्थिर सरकार दे सकती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, वीर साहब जिंदाबाद। इस ममके विच बहुत ज्यादा काम होए ना, खंभे भी लगे, पिलसना भी लगियां, फिर उदे बाद विच इंदे नलके भी आए, इन्हां नूं कपड़े भी दित्ते गए, इन्नी गलियां भी बणियां, इंदा हर काम होया। जिंदे दा बीजेपी दा राज आए दा कुछ नहीं होया पिंड विच। मेंबरशिप ड्राइव को जारी रखते हुए आज हम विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत पौआ में पहुंचे हैं, जिसमें कई युवा ने बीजेपी पीडीपी एनसी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। मैं इनका अपनी तरफ से और श्री राहुल गांधी जी की तरफ से और श्रीमती सोनिया गांधी जी की तरफ से और श्री रजनी पाटिल जी की तरफ से और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ। आज आरएसपुरा के नौजवानों ने देख लिया है कि जो पिछले 26 साल से आरएसपुरा के युवाओं की, गरीब की, मजदूर की आवाज को कुचला जा रहा है, आज 26 साल के बाद आरएसपुरा की सीट को ओपन किया गया है। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किसान की, युवा की, मजदूर की हक लड़ती आई है और हमेशा लड़ती रहेगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रेस क्लब जम्मू के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर सरकार से मांग कर रही थी कि उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उनकी नौकरी को पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि वह सालों से विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है, मगर सरकार ने उनकी इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम पहले भी ये कहते थे कि हमारा आनरेरियम बढ़ा दो और आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा आनरेरियम बढ़ा दो। जैसे कि हमारे नज़दीक वाले स्टेट जो हैं, हमारे नियर बाई हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ पर 10-12-15 हज़ार के करीब आनरेरियम देते हैं और यहाँ पर खाली जम्मू में 5,000 रुपये देते हैं, वो भी 5 कभी पूरा नहीं देते हैं, कभी 4,000, कोई 4,500, कोई 3,000, इस हिसाब से देते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी नियर बाई स्टेट्स पे आनरेरियम दिया जाता है वैसे हमें भी दिया जाए। जब यूटी बनी थी हम बड़े खुश हुए थे, हमने कहा यूटी बन गई है, हमें अब फ़ायदा होगा। जितनी यूटी की स्टेट्स है वहाँ पर जो आनरेरियम 19,000-20,000 के हिसाब से मिलता है, हमें भी उसी की तरह से दिया जाएगा। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, ना हमारे पास 370 रही और ना यूटी में हमें कोई फायदा हुआ।
हम तो हर तरफ से ऐसे ही हैं। ऑफिस में हमारी इतनी हरासमेंट है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। कहाँ जाए हम, किसको सुनवाई करें? सड़कों पर निकलना किसी औरत को मंजूर नहीं है, लेकिन आज हम बड़ी मजबूरी के साथ सड़कों पर आए हैं और अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी बातों को सुना जाए। 18 का 6 महीने का ऑनरेरियम उन्होंने रोक के रखा है, अभी तक उन्होंने वो ऑनरेरियम रिलीज नहीं किया है। वार्ड नंबर 49 छनीरामा के सरकारी हाई स्कूल से पानी की पाइप के चोरी होने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि स्कूल से पानी की पाइप को कोई चुरा कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी ऐसा है कि ये जो आज की रात, जो पिछली रात थी, ये 8 और 9 के बीच में जो है, अभी ये सर हैं जो प्रिंसिपल, इन्होंने बोला है तूफानी सर ने कि यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ ये हमारे ऑफिस के ताले जो हैं वो तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन पीछे से इन्होंने जो है वो किसी ने सरिया, 2 सरिये काटे हैं और सरिये काटने के बाद में उसके इंटर हुए हैं ऑफिस में। हालांकि ऑफिस में काफ़ी महंगी चीज़ें पड़ी थी, वो तो मेरे ख्याल में जो प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि नहीं, वहाँ से कोई चीज़ नहीं गई है उसका। दूसरा, ये बाथरूम में हमारे इसके बच्चियों के और बच्चों के प्लस स्टाफ के बाथरूम है, उसमें जितनी भी टूटीज थी या जो महंगा फिटिंग थी उसकी, तो वो ले गए हैं सारा खोल करके। पटवार एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल आज 6ठे रोज भी जारी रही। एसोसिएशन के सदस्यों ने आज राजौरी में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। संगठन के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी पे ग्रेड के साथ साथ अन्य मांगें भी पूरी की जाए। सदस्य साहब ने बता दिए हैं, उन्हीं को अगर रखा जाए तो कोई बड़े मुतालबा नहीं है। सबसे पहले जो हमारा सब जो बेस का स्ट्राइक है वो यही है कि रिकॉर्ड का इशू ही बना था, तो हम सरकार से ये कहते हैं कि हमें पटवार खाना के लिए अगर बाकी एक कोई भी दफ्तर है उसके लिए फौरन 1 महीने के अंदर अंदर एक्शन होता है। तो एक पटवार खाना जहाँ पर बड़े से बड़े आदमी का रिकॉर्ड भी वहीं है, तो कम अज कम पटवार खाने हर पटवार हल्का में बनाए जाएँ या हेडक्वार्टर पर एक कम्प्लेक्स हमें दिया जाए सरकारी, जहाँ पर हम रिकॉर्ड रखें और रिकॉर्ड के जहाँ पर हिफाजत हो सके। बहुत सारी जो उन्होंने वहाँ बातें हमारी मानी भी हैं, लेकिन अभी रिटर्न में नहीं आई है। आज भी हमारे जुमा हजरात जो हैं उनके साथ बैठे हैं, अभी जो फैसला होगा उसी पर हमने करना है। फिलहाल हमारी स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू है और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त यहाँ आपके सामने बैठा है और काफी दिनों से बैठा है। जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हेल्थ डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारियों द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता में रमेश कुमार ने बताया, हम लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए जम्मू आए थे, मगर पुलिस ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कौन सा इंसाफ है? लोग अपनी आवाज़ उठाएं तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। उन्होंने LG मनोज सिन्हा से अपील की है कि हमें मात्र 200 रुपये महीना मिलता है, उसे बढ़ाया जाए। 22 सालों से काम कर रहा हूँ सफाई कर्मचारी का, तो सर कुछ गवर्नमेंट से हमें शिकायत थी कि हमें 200 रुपये महीने का मिलता है, किसी को 1000 रुपये महीने का मिलता है, किसी को 500 रुपये महीने का मिलता है। तो पिछले 25 सालों से गवर्नमेंट ये जुल्म करती आ रही है हमारे साथ। आज हम अपना हक मांगने के लिए मीडिया के सामने जहां जम्मू में आए, और बहुत दूर दराज इलाकों से आए, कोई पुंछ से आया था, कोई डोडा से आया था, कोई ठाठरी से आया था, कोई रजौरी से आया था, और जहाँ पुलिस वालों ने हमारे साथियों को 20-25 लोगों को पुलिस की गाड़ी में डाल के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में लेके चले गए, और हम अपना फरियाद करने के लिए जहां आए, और हम अपनी फरियाद भी किसी के आगे नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे साथ इतना नानसाफ़ी क्यों कर रही है और इतना जुल्म क्यों कर रही है? लोग तो कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये तो अच्छे दिन कैसे आ रहे हैं? किसी को हक मांगने का अधिकार ही छीन लिया है, हमारा अधिकार मांगने का हक ही हमारे से छीन लिया है। ये कौन सा संविधान है और कैसी डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है? ऐसा होना चाहिए? हमारा 225 रुपया पर डे का जो बनाया है, जो मिनिमम वेजी एक्ट 2017 से ये SRO निकाला है 460, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसी के दौरान लेकर हम यही शिकायत लेके हम जहां आए, और हमारे साथ ये इतना लाठी चार्ज किया और पुलिस वाले उठा के लेके हमारे बंदों को, क्या हम अपना हक नहीं मांग सकते हैं? और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का रहा दबदबा। 4 राज्यों में BJP ने की जीत हासिल। पंजाब में बाजी मारी आम आदमी पार्टी ने। जम्मू में कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न।
उधमपुर ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम ने किया घटनास्थल का दौरा, इकट्ठे किए जरूरी सबूत। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा सरकार करे डेली वेजेस कर्मचारियों को पक्का। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने टाउन हॉल में किया विकास के काम का उद्घाटन। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक डू फॉलो आवर फेसबुक पेज।